हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन विद चंद्रकांत। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक माउस बनाएंगे सरफेस के हेल्प से। देखेंगे सिंपली कि किस तरह माउस को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने न्यू पे क्लिक करके और पार्ट को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, और यहाँ से मैंने राइट प्लेन को सेलेक्ट करा और नॉर्मल टू स्क्रीन कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि स्केच करते हैं, यहाँ से स्प्लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से स्प्लाइन को बना लेते हैं। ओके, अब स्प्लाइन को बनाने के बाद इसे अरेंज करके मैं इसका डायमेंशन बताता हूँ। इतना बना लेने के बाद स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कर देते हैं 185 mm, और इस पॉइंट से और स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करते हैं और इस पॉइंट से इस नोड तक का डिस्टेंस कर देते हैं 40 mm। इसे 40 mm और इस वाले पॉइंट को और इसको इस पॉइंट को यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशन वाले को यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिलेशन कर देंगे। और अब क्या करते हैं कि स्मार्ट डायमेंशन यहाँ तक का हाइट कर देते हैं 25 mm, और इसे एग्जिट कर देते हैं। और अब क्या करते हैं, यहाँ फीचर्स में जाएंगे और रेफरेंस ज्योमेट्री के हेल्प से यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, और प्लेन पे पहले इस वाले आर्क पे क्लिक करेंगे और फिर सेकंड में इस फर्स्ट या एंड पॉइंट पे ओके और इसे ओके कर देंगे। तो अभी ये प्लेन जनरेट हुआ है। अब क्या करते हैं, स्केच पे क्लिक करेंगे और इस वाले प्लेन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ नॉर्मल टू स्क्रीन कर देते हैं, और यहाँ से थ्री पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इस पर एक आर्क बना देंगे आर्क। और स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इस आर्क का रेडियस कर देते हैं 120 mm, और यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कर देते हैं 120 mm। ओके, और इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं रिलेशन में। इसे हॉरिजॉन्टल करने के बाद इसे एग्जिट कर देते हैं एग्जिट, और इस तरह से बनाए अभी। तो अब क्या करेंगे कि अब सेलेक्ट करते हैं टॉप प्लेन को, और यहाँ फीचर्स में जाएंगे और एक प्लेन ले लेते हैं इसके 10 mm रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, बल्कि इसे और ऊपर कर देते हैं, इसे एडिट करता हूँ मैं और इसे 10 mm पे कर देता हूँ। ओके, अब क्या करते हैं कि स्केच पे क्लिक करते हैं और इस टॉप प्लेन को सेलेक्ट करके जो मैंने अभी जनरेट करा है इसको नॉर्मल टू स्क्रीन करते हैं, और यहाँ से सर्कल बना लेते हैं इसके सेंटर से। इसका डाया कर देते हैं 80 mm, और यहाँ से आर्क को सेलेक्ट करेंगे थ्री पॉइंट आर्क को, देन इस तरह आर्क बना लेंगे इस तरह से। और स्मार्ट डायमेंशन में रेडियस दे देते हैं 280 mm इसका रेडियस, और यहाँ से इस लाइन के साइड में जो है यहाँ से सेंटर लाइन बना लेते हैं, और इस वाले को मिरर इंट्रोड्यूस कर देंगे इस वाले को, और मिरर अबाउट दिस एक्सिस। ओके, अब क्या करेंगे
कि यहाँ से फिर से आर्क को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक आर्क बना लेते हैं इस तरह। स्मार्ट डायमेंशन पे फिर से क्लिक करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट को और इसके सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस कर देते हैं 100 mm, ओनली 100 mm। ओके, अब यहाँ से स्केच फिलेट को सिलेक्ट करेंगे और इस पर फिलेट अप्लाई कर देते हैं इन दोनों कॉर्नर्स पे और इसको कर देते हैं 25 mm radius। और यहाँ से ट्रिम सिलेक्ट करते हैं और इन सबको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद इस वाले को और यहाँ से इस पॉइंट के बीच यहाँ पे टेंजेंट रिलेशन दे देंगे और इस तरफ से भी इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस वाले को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेंजेंट रिलेशन इसे दे देंगे। ओके, इसे एग्जिट कर देते हैं। तो इतना तो बन गया। अब क्या करेंगे कि पहले से तो हम लोग फीचर्स में थे, तो अब सरफेस पे क्लिक करते हैं और स्विफ्ट सरफेस में इस वाले को प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोफाइल में इस वाले को, और पाथ ये दे देते हैं। इस तरह से एक सरफेस बना कि एक्सटेंडेड सरफेस में इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सटेंडेड सरफेस में इस वाले को। तो इसे इस तरह से एक्सटेंड करना है, इसे इस तरह बढ़ाना है कि ये इस वाले को क्रॉस कर जाए। और यहाँ से ड्राफ्ट एंगल में कर देते हैं 20 डिग्री ड्राफ्ट एंगल, बल्कि इसे और मैं करके 18 डिग्री कर देता हूँ ड्राफ्ट एंगल। ओके, और अब क्या करेंगे कि यहाँ से ट्रिम सरफेस में क्लिक करते हैं और यहाँ से म्यूचुअल में इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस वाले को, और रिमूव सिलेक्शन और इस वाले को ट्रिम कर देंगे। फिर से ट्रिम सरफेस पे क्लिक करते हैं, सेम प्रोसेस, इन दोनों को सिलेक्ट, म्यूचुअल में इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और रिमूव करने के लिए इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से फिलेट सेलेक्ट कर दें और इस वाले एज पे फिलेट अप्लाई कर देंगे, फिलेट ओनली 3 mm रेडियस। ओके, और इतना बनाने के बाद क्या करते हैं कि टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, टॉप प्लेन को, और नॉर्मल टू स्क्रीन कर लेंगे और यहाँ स्केच पे जाएंगे और स्केच में जाने के बाद यहाँ से सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेंटर लाइन को, और बिल्कुल इसके मिडिल पॉइंट से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ तक, इसका डायमेंशन देते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 0.6 mm। और फिर से सेंटर लाइन से यहाँ तक का डायमेंशन इसे भी कर देते हैं 0.6 mm। ओके, और इसे एग्जिट कर देंगे। और अब क्या करते हैं कि फिर से सरफेस में जाते हैं और ट्रिम सरफेस में यहाँ पे स्टैंडर्ड में ट्रिम टूल में इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अभी रेक्टेंगल बनाया था, और रिमूव करने के लिए इस वाले फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे मैं रिमूव कर रही हूँ। ओके, तो मैंने वहाँ उससे तो रिमूव कर दिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ से मैंने इस वाले को रिमूव कर दिया, तो अब क्या करते हैं कि इसे प्लेनर सरफेस पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर तो इसका किट लगा हुआ होता है, प्लेनर सरफेस पे यहाँ क्लिक करते हैं और इन सभी एजेस को बारी बारी से सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। इसे ओके कर देंगे सेलेक्ट करके। तो सेलेक्ट करने के बाद ये क्लोज हो गया प्लेनर सरफेस के हेल्प से। अब क्या करेंगे, फिर से नाइट सरफेस पे क्लिक करते हैं, सॉरी नीट सरफेस पे, और इस वाले को सेलेक्ट करते हैं और इसे ओके कर देंगे।
सॉरी नीट सरफेस है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने इसे बार बार नाइट सरफेस बोल रहा था। तो फिलेट कर दें और इस वाले पे फिलेट अप्लाई कर देते हैं 3 mm। ओके, फिर से टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, टॉप प्लेन को, और इसे नॉर्मल टू स्केच कर देंगे और यहाँ से स्केच करेंगे और यहाँ सेंटर लाइन, इसके सेंटर से फिर से एक सेंटर लाइन बनाएंगे और क्या कर रहे हैं कि यहाँ से स्टेट स्लॉट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक स्टेट स्लॉट बना लेंगे यहाँ पे। इस तरह से इस वाले को थोड़ा पीछे ले लेते हैं और इसका डायमेंशन अगर मैं दे दूँ तो इसका डायमेंशन इससे कर देता हूँ 20 mm, देन इसका रेडियस 3.5 mm, इससे मैं 20 ना करके 25 कर देता हूँ, सॉरी 20 ठीक है, और इसे 3.5 mm, देन इसे एग्जिट कर देते हैं। और क्या करेंगे अब ट्रिम सरफेस पर सिलेक्ट कर दें और स्टैंडर्ड में यहाँ पे ट्रिम टूल में इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और रिमूव करने के लिए यहाँ से ये और ये इन दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके, तो इस तरह से ये कट गया और इस तरह से कटने के बाद अब क्या करेंगे कि अब सिलेक्ट करते हैं राइट प्लेन को और इसे नॉर्मल टू स्क्रीन कर दें और यहाँ से एक सर्कल बना लेंगे। इस तरह से इस वाले सर्कल को इस तरह से इसे मूव करेंगे और इसका डाया कर देता हूँ मैं। एक्चुअली मेरा सिस्टम स्लो है, इस वजह से मैं मुझे वेट करने पड़ रहा है। इसका डाया मैं कर देता हूँ 26 mm और इस वाले को क्या कर दें कि यहाँ से एक्सट्रूड बॉस कर देते हैं, इस तरह से इसे एक्सट्रूड बॉस करेंगे इसमें टच ना करे। इसे डायरेक्शन टू में 2.8 mm रखते हैं और इस वाले को भी 2.8 mm रखते हैं और इसे ओके कर देंगे 2.1 mm एंड 2.1 mm और इस वाले पे फिलेट अप्लाई करते थे और यहाँ से फिलेट को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों एज पे फिलेट अप्लाई कर देंगे और फिलेट अप्लाई करने के बाद यहाँ से इसका रेडियस कर देता हूँ मैं 1.5 mm। यहाँ से मैं इसका रेडियस कर देता हूँ 1.5 mm। ओके, इस तरह से तो आप देख सकते हैं मैंने इतना भी बना लिया है इस तरह से। और क्या करेंगे कि अब इसमें मैं कलर फिल करता हूँ, और यहाँ अपीयरेंस से, एडिट अपीयरेंस से यहाँ पे कोई एक कलर प्रोवाइड करा देते हैं इसे और फिर यहाँ एडिट अपीयरेंस से माउस का टोटली कलर इस तरह से मैं कर देता हूँ। इसको भी कलर चेंज कर देता मैं, तो जैसे मैंने इस वाले को स्क्रॉल को सिलेक्ट कर लिया और एडिट अपीयरेंस में इसे सेम कलर इस वाले को प्रोवाइड करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने माउस का शेप इसे दे दिया। अब क्या करते हैं कि टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, टॉप प्लेन को, और इसे नॉर्मल टू स्क्रीन कर देते हैं। मैं एक सिंपली वायर के लिए यहाँ से एक वायर के लिए यहाँ से एक स्प्लाइन बना देता हूँ
इस तरह से मैंने इसे एग्जिट कर दिया। और क्या करते हैं, फीचर्स में जाते हैं और यहाँ रेफरेंस ज्योमेट्री हेल्प से प्लेन पे सेलेक्ट करते हैं और इस वाले प्लेन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इस वाले पॉइंट पे एक सर्कल मैं यहाँ पे बना दूंगा बिल्कुल इसी के पॉइंट पे यहाँ से इस तरह से, जिसका डाया कर देता हूँ 3.5 mm। ओके, इसे मैं एग्जिट कर देता हूँ और इस वाले प्लेन को हाइड कर देते हैं और फीचर्स में जाएंगे और स्विफ्ट, और यहाँ से फीचर्स में जाएंगे और स्विफ्ट में प्रोफाइल में इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और पाथ में इस वाले स्प्लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ से ओके कर देंगे। और मैं इस वाले को सिलेक्ट करके एडिट अपीयरेंस से इस वाले को मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से माउस बन गया। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और उसके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।